देशभर में जहां पर गोवर्धन पूजा आस्था और उमंग के साथ मनाई गई, वहीं आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए अब बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखपा के लिए प्रस्थान करवाया गया, यानी कि अब मां गंगा आगामी 6 महीनों तक अपने शीतकालीन प्रवास मुखपा में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। आपको बता दें कि धाम से मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा को 12:05 पर अपने शीतकालीन पड़ाव मुखपा के लिए रवाना किया गया। हालांकि डोली यात्रा मार्कंडेय पुरी में चंडी देवी मंदिर में विश्राम के बाद गुरुवार को मुखपा पहुंचेगी। मां गंगा की इस यात्रा में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के बैंड की मधुर धुन लगातार यात्रा की अगुवाई करेगी। यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार को 12:09 पर सर्व सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे। मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन पड़ाव खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। मैया के कपाट आज शीतकाल के 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। गंगा मैया की भोग मूर्ति अब डोली के द्वारा जो है यहाँ से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखपा के लिए प्रस्थान कर चुकी है और आज ये गंगा मैया की जो डोली है वो मार्कंडेय में देवी मंदिर में विश्राम करेगी और कल भैया दूज के पावन पर्व पर अपने गद्दी स्थल मुखपा में विराजमान हो जाएगी। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर पूर्ण रूप से जो है गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो बैंड्स हैं उनके द्वारा गंगा मैया की डोली की अगुवाई की जा रही है।